अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला में हम कहाँ पर कौन सी लाइन में आए, त तरबूज से न नल तक। ठीक है, हम लिखना सीखेंगे, त तरबूज का, थ थर्मस का, द दबाद का, ध धनुष का, न नल का, है ना। हम इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे देखो आप, त तरबूज का कैसे बनता है, एक स्टैंडिंग लाइन, एक खड़ी रेखा खींचेंगे और सेंटर से आड़ी रेखा खींचेंगे और उसे नीचे कर देंगे, बन गया था तरबूज का। देखो कितना सिंपल है, फिर से देखते हैं, फिर से बनाते हैं, खड़ी रेखा खींचेंगे और सेंटर से एक आड़ी रेखा करके नीचे खींच देंगे, त तरबूज का। त तरबूज के बाद क्या आता है, थ थर्मस का। थ थर्मस का कैसे बनेगा देखो, खड़ी रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ थोड़ी सी दूर पे एक हाफ सर्कल बनाएंगे ऐसा और उसका लाइन के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, और ऊपर से उसकी आइज बना देंगे, बन गया था थर्मस का। फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है, एक खड़ी रेखा खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, थोड़ी सी दूर पर हाफ सर्कल बनाओगे और हाफ सर्कल को लाइन से जोड़ देंगे और ऊपर हाफ सर्कल की आइज बना देंगे, बन गया था थर्मस का। फिर से बनाते हैं, अब बिना हाथ उठाए बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाओगे, पहले आप हाफ सर्कल बनाओ, फिर उसको ऐसे ले जाओ और लाइन खींच देंगे, ऊपर से ऐसा कर दो, बन गया था थर्मस का, है ना सिंपल। थर्मस के बाद क्या आता है, ददवाद का। ददवाद का भी बहुत इजी, कैसे बनेगा, एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, फिर हाफ सर्कल बना देंगे और हाफ सर्कल की पूंछ बना देंगे ऐसे, बन गया ददवाद का। फिर से देखो, एक छोटी सी डंडी खींचेंगे, फिर उसमें एक हाफ सर्कल बनाएंगे, हाफ सर्कल की पूंछ बना देंगे ऐसे, ददवाद का। अब बिना हाथ उठाए देखो कैसे बनेगा, एक लाइन खींची, फिर हाफ सर्कल बनाया और उसकी पूंछ बना दी, बन गया ददवाद का, है ना। अब ददवाद के बाद क्या आता है, ध धनुष का। ध धनुष का कैसे बनेगा देखो, एक हाफ सर्कल बनाया, एक और हाफ सर्कल बनाया और साइड से एक लाइन खींच दी, दोनों को जोड़ दिया और ऊपर जो पहला हाफ सर्कल थी उसकी आप आइज बना दो, धनुष का। फिर से देखो कैसे बनेगा, एक रेखा खींच लेंगे, थोड़ी सी दूर पर एक हाफ सर्कल बनाया, फिर एक और हाफ सर्कल को लाइन से जोड़ देंगे और ऊपर वाले हाफ सर्कल की आइज बना देंगे, धनुष का। अब बिना हाथ उठाए ट्राई करो कैसे बनाओगे, एक हाफ सर्कल, एक और हाफ सर्कल और एक डंडी खेल देंगे, जोड़ दिया दोनों को और उसकी आइज बना दी, धनुष का। अब धनुष के बाद क्या आता है, नानल का। नानल का तो बहुत इजी है, एक रेखा खींचेंगे, खड़ी रेखा, सेंटर से स्लीपिंग लाइन आड़ी रेखा और उसको घुमा देंगे, बन गया ना नल का। बिना हाथ उठाए देखो कैसे बनता है, लाइन खींचेंगे सेंटर से, ऐसे लाइन खींच के उसे घुमा देंगे, ना नल का। अब आपको ये कॉपी में हाफ हाफ पेज लिखना है और बोलना भी है, याद भी करना है। एक बार हम पढ़ा देते हैं आपको, त तरबूज, ता नहीं बोलना है आपको, त बोलना है, त तरबूज का, थ थर्मस का, द दबाद का, ध धनुष का, न नल का, ऐसे आपको ओरल रीड करना है और कॉपी में त तरबूज से न नल तक की वर्णमाला लिखना है। ओके चिल्ड्रंस।